मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। जिस जिसने भी आज करवा चौथ का फास्ट रखा है उसको हैप्पी करवा चौथ। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी अपनी सरगी खाने के लिए। ये देखिए मेरी सरगी की थाली। कहाँ लिखा है? जल्दी ढूंढो। हाँ 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 ढूंढो ढूंढो। यू तो लिख गया। और हाँ यू हाँ चलो बच गए, जीत गए। तुम्हें गिफ्ट क्या मिलेगा? तुम्हें गिफ्ट ये मिलेगा कि तुम अपना वॉलेट अच्छे से भर दो और वो मुझे दे दो। तो मैंने मेहंदी में अपने हाथ पे तरुण का नाम लिखवाया था, जो तरुण ढूंढ चुके हैं। मैंने कहा था कि अगर आप नहीं ढूंढोगे तो मैं गिफ्ट लूँगी। मेरा गिफ्ट तो कैंसिल हो गया है। क्या चाहिए आपको गिफ्ट? जीतने का गिफ्ट चाहिए? वो सिंक में बर्तन पड़े हैं, वो धो दो। वो तो रोज ही करता हूँ मैं। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। ये मेरा 3रा करवा चौथ है। तो इस साल का जो करवा चौथ है ये मेरे लिए स्पेशल है। वो मुझे आज सुबह ही पता चला है ये मेरे लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है, ये मैं आपको वीडियो के एंड तक बताती हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस रखती हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बार का जो करवा चौथ है वो मेरे लिए स्पेशल क्यों है। पूजा में थोड़ा हैवी दुपट्टा लिया जाता है, इसलिए मैं ये हैवी दुपट्टा ले रही हूँ। पूजा हो चुकी है, मैं अभी पूजा करके बस फ्री होके बैठी हूँ। दिन के 6 बज रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चांद का तो पता नहीं आना है या नहीं आना है।
तो सुबह मैंने आपसे कहा था कि इस बार का जो करवा चौथ है वो मेरे लिए स्पेशल है। तो स्पेशल यू है कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा है आज पहली बार। तो इस बात पे मुझे हंसी भी आ रही है और खुशी भी हो रही है। और हंसी इस बात पे आ रही है कि उन्होंने पहली बार मेरे लिए फास्ट रखा और आज ही चांद जी छुप गए। और खुशी तो आपको पता ही है, मेरे लिए पहली बार फास्ट रखा था तो मैं खुश थी सुबह से कि हम दोनों एक साथ अपना फास्ट खोलेंगे। लेकिन अब बिना चांद देखे ही हम घर पे फास्ट खोलेंगे। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो चांद तो निकलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता आज निकलेगा। तो हम खाने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये देखिए हमारा करवा चौथ का खाना रेडी है। ये है काले चने का खट्टा, ये है दाल मखनी, ये है मद्रा और ये है मीठे चावल। अब हम पूजा करके घर जा रहे हैं, है ना तरुण? तरुण ने भी फास्ट खोल लिया है और मैंने भी फास्ट खोल लिया है। तरुण आपने फास्ट खोल लिया? हाँ जी खोल लिया। कैसा रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? सही था, ज़्यादा भूख तो लगी नहीं। इट वाज नाइस। तो आपने क्या सोचा है, आप नेक्स्ट ईयर रखोगे मेरे लिए? Let's see next year क्या होता है क्या नहीं, नहीं आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ ना। रख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं। हम चांद देखने गए थे लेकिन चांद नज़र नहीं आया तो हमने वैसे ही पूजा कर ली है। चलो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।